नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए हिस्ट्री की कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। 2022 में नेट जेआरएफ के 3 एग्जाम होने की संभावना है, यदि परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 जनवरी में, 1 जून में और 1 दिसंबर में। इसके अलावा राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दोबारा आने की संभावना है, हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो और भी स्टेट में आ सकती है। तो इनके लिए आपको अच्छी किताबों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो मैं काफ़ी सारी किताबों की चर्चा करूंगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर कालखंड में 1-2 इंपॉर्टेंट किताबें बताऊंगा। हर विद्यार्थी की अलग अलग तरीके की पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ने का तरीका, किसी को किसी टाइप की किताबें पसंद आती हैं। एक यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई जनवरी के नेट की तैयारी कर रहा है तो काफ़ी कम समय है, तो उसको कुछ अलग टाइप की जल्दबाजी में किताबें पढ़नी हो कम समय में, तो उसके लिए भी डिफरेंट किताबें होती हैं। लेकिन मैं हर कालखंड में आपको विशेष किताबें बताऊंगा, जो कि निश्चित रूप से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपने हिसाब से किताबें जरूर चूज कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। इसके अलावा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी मैं किताबें बताऊंगा, क्योंकि नेट जेआरएफ में तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बाकी सारी किताबें जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें नेट में नहीं आती वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आप मानेंगे, नेट के लिए आपको वो नहीं पढ़नी है। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो एक तो देखिए इस प्रकार की किताबें आती हैं जो यूपीएससी के लिए या काफ़ी पॉपुलर रही हैं काफ़ी सालों से, जैसे जयंत शिरमाली की किताब है और आर एस शर्मा की किताब है, तो ये शुरुआत करने के लिए बेहतर किताबें हैं, लेकिन ये ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। और अब नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए मैं इन किताबों को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये किताबें हैं तो आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तो देखिए हर काल के लिए आप 4-4, 3-3 किताबें मत रखिए, न तो आप उनमें ढंग से अंडरलाइन कर सकते हैं, न नोट्स बना सकते हैं, और याद करने में भी और उसको रिवाइज करने में भी। देखिए बुक पढ़ना अलग बात है, लेकिन यदि आप उसको ठीक से 2-3 बार एग्जाम के समय तक रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो आपके कोई काम नहीं आने वाली बात नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी याद रखने में। फिर देखिए एक जैसे वी डी महाजन की किताब है, या फिर एल पी शर्मा की किताब है, एस के पांडे की किताब है, इन किताबों के बारे में मैं कहूँगा मध्यम श्रेणी की तैयारी के लिए, एक ठीक ठाक तैयारी के लिए इनमें से आप जैसे एस के पांडे की किताब चुन सकते हैं, या एल पी शर्मा भी ठीक है, लेकिन इन तीनों में से मुझे एस के पांडे ठीक लगती है। तो ये किताब बिल्कुल नेट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेट में आप इनमें से कोई भी पढ़ें नेट निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 55% के आसपास कट ऑफ रहती है, माइनस मार्किंग होती नहीं, तो लगभग 40 के करीब भी प्रश्न आपको आते हैं तो नेट आपका निकल जाता है, बाकी तुक्का लग जाता है 15 में। तो उसमें ज़्यादा यदि जेआरएफ पर नज़र है तो आपको थोड़ी सी एडवांस किताबें पढ़नी होंगी, जैसे एक तो सौरभ चौबे, ठीक है ये भी किताब, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा है। इसका नया एडिशन मैं चेक करने के बाद में अपडेट करूंगा, नया एडिशन मैंने नहीं देखा है। लेकिन इसके अलावा जो किताबें हैं, जैसे 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं, एक तो देखिए पप्पू सिंह प्रजापत की किताब, इसका नया एडिशन आने के बाद में ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब हो गई है, और एक उपेंद्र सिंह की किताब। उपेंद्र सिंह की किताब अच्छी है, लेकिन हर किसी विद्यार्थी को ये पसंद नहीं आ सकती, और नेट जेआरएफ के लिए एक अच्छी किताब है, लेकिन मेरी राय में इसकी तुलना में आपको पप्पू सिंह प्रजापत पढ़नी चाहिए, नेट जेआरएफ के लिए बेहतरीन किताब है। और आपको मतलब ये थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि कुछ मटेरियल आपको छोड़ देना होता है, वो आपको इसके अंदर छोड़ देना है, ज़्यादा मतलब हर पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर यदि किसी को पप्पू सिंह प्रजापत थोड़ी टफ लगती है तो वो केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकता है, बहुत सारे विद्यार्थी केसी श्रीवास्तव को पसंद करते हैं। तो ओवरऑल यदि मैं रिकमेंड करूँ जेआरएफ के अकॉर्डिंग, नेट के लिए तो अब ऐसे मैंने आपको बताया कि आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो या तो मेरी चॉइस है पप्पू सिंह प्रजापत, या फिर आपको यदि ज़्यादा फैक्ट्स याद करने में थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं या आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में और चाहिए तो आप केसी श्रीवास्तव के साथ भी जा सकते हैं। और उपेंद्र सिंह भी एक अच्छी किताब है, लेकिन हर किसी को ये पसंद नहीं आएगी। तो ये तो बात होगी प्राचीन काल की। अब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देखते रहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में यदि हम बात करें तो या तो उपेंद्र सिंह की किताब आती है इंग्लिश मीडियम में, या फिर जो ये जीएल मेहता और सरिता मेहता वाली किताब आती है, तो इन दोनों की तुलना मैं करूं तो आपको उपेंद्र सिंह की किताब पढ़नी चाहिए, और साथ में फैक्ट्स याद करने के लिए थोड़ी बहुत 1-2 किताब और देख लेनी चाहिए, लेकिन ये इसकी तुलना में उपेंद्र सिंह के साथ आपको जाना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत की किताबें मेरे पास इस तरफ रखी हुई हैं, और उसके अंदर यदि मैं बात करूं, देखिए एक तो जैसे एल पी शर्मा की किताब है, एस के पांडे की है, सौरभ चौबे और वी डी महाजन, इन 4 किताबों की मैं एक साथ बात करूंगा, इनको मैं अलग रख देता हूं, काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई है। एक सौरभ चौबे नीचे है, उसको मैं निकाल लेता हूं। देखिए ये 4 किताबें हैं,
इन चारों किताबों को मैं लगभग एक ही श्रेणी में रखता हूँ, और इन चार किताब में से आप कोई भी एक किताब पढ़ रहे हैं तो कोई आपको विशेष बात नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे ये एक चौथी किताब है, ये चारों ही किताबें अच्छी किताबें हैं। और नेट के लिए एक देखिए, हर काल में ये जरूरी नहीं है कि आप प्रो किताब पढ़ें, जैसे पप्पू सिंह प्रजापत की किताबें प्रो में आती हैं, जेएल मेहता की किताबें प्रो में आती हैं, उसमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है, उतना हर काल में याद नहीं होता। तो एक आध काल में आप हो सकता है थोड़ी सी छोटी किताब भी पढ़ सकते हैं। तो मध्य काल में वी डी महाजन, एल पी शर्मा, एस के पांडे और सौरभ चौबे, इनमें से कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, चारों ही किताबें अच्छी हैं। यदि आप कहें फिर भी कि हम ऐसे तो कन्फ्यूज करने वाली बात हो गई, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सौरभ चौबे पढ़ लीजिए या एस के पांडे, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं। आप आंख बंद करके दोनों में से किसी पे भी भरोसा कर लीजिए, ठीक है। ये दो किताबें, एल पी शर्मा भी पढ़ रहे हैं तो कोई, मैंने ये क्यों बता रहा हूँ मैं, एल पी शर्मा पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी विद्यार्थी के पास ये है अब वो भाग कर एस के पांडे ला रहा है, ऐसा मत कीजिए। आप पिछले 2005 महीने से वो किताब पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप एस के पांडे या फिर ये जो सौरभ चौबे वाली किताब है ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में एक बुक आती है, थोड़ी सी यूपीएससी के विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, सतीश चंद्रा की किताबें। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, उसमें फैक्ट्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन नेट जेआरएफ का पेपर थोड़ा सा डीप अलग ही प्रकार का होता है। जैसे अभी भी जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ था पीछे नवंबर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल उसमें जानकारी होती है। तो आप ये किताबें भी पढ़ सकते हैं यदि कोई पहले से पढ़ रहा है, नहीं तो वैसे मैं नेट के लिए इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन किताबें दोनों अच्छी हैं। अब है एक बात आती है कि जेआरएफ के अकॉर्डिंग एक प्रो तैयारी, कई विद्यार्थी क्या है कि आंकड़े स्टोर करने में माहिर होते हैं, ज़्यादा वो जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं किताबों से ही सफलता मिलती है। आप थोड़ा सा कम पढ़ के और उसको सॉलिडेट करके, यानी अच्छे तरीके से टैक्टिक्स लगा के और उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस हल करके, एक अच्छा सा प्रश्न बैंक हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए पप्पू सिंह प्रजापत की तराइन से पानीपत, और एक इनकी शायद जनवरी तक आने वाली है इसका सेकेंड पार्ट, मुगल काल, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन ये तराइन से पानीपत वगैरह में फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको यदि याद करने में आप सक्षम हैं तभी आप इन किताब के साथ जाना। ऐसा होता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा हम फैक्ट याद भी नहीं कर पाते और फिर उलझ जाते हैं, ऐसा काम आप मत करना। फिर इसके अलावा जैसे प्रो तैयारी की बात आती है तो मैं दो सेट रिकमेंड करूँगा, एक तो है हरिश्चंद्र वर्मा की पार्ट वन और पार्ट टू, अच्छी किताबें हैं दोनों ही, या फिर मैं रिकमेंड जैसे हमेशा करता हूँ जेएल मेहता की किताबें, ये पार्ट वन टू थ्री काफ़ी अच्छी किताबें हैं और जेआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा रिकमेंडेबल किताबें हैं। या फिर आप हरिश्चंद्र वर्मा भी पढ़ रहे हैं, हरिश्चंद्र वर्मा सस्ती आती हैं, काफ़ी महंगी आती हैं हरिश्चंद्र वर्मा की तुलना में, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 300-300 रुपये के आसपास आ जाती हैं। ऑफलाइन मार्केट से किताबें खरीदेंगे तो भी आपको कई किताबें सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन यदि आप किसी दूर के इलाके में रहते हैं ऑफलाइन आप नहीं ले सकते ये इस प्रकार की किताबें, तो मैं इन सब किताबों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी अच्छी अच्छी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ तो वहाँ से जाकर आप इनको बाई कर सकते हैं अमेजोन पर, क्योंकि अमेजोन पर ही ज़्यादा किताबें उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। फिर देखिए मीडियावेल इंडिया में ये जो, अब देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊं, बाकी जो मैंने पहले किताबें बताई उसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए किताबें नहीं आती, लेकिन ये जो जेएल मेहता वाली किताबें हैं ये तीनों भी इंग्लिश में आती हैं, और एक और भी है इंग्लिश में जेएल मेहता सरिता मेहता की, ये भी आती है, लेकिन इसकी तुलना में ये जो तीन पार्ट हैं ये ज़्यादा, मिलाकर होते उतनी हैं लेकिन ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, थोड़ी सी बेहतर तरीके से लिखी गई है, तो ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वो भी आप ले सकते हैं। तो प्रो तैयारी के लिए या तो आप जेएल मेहता पढ़िए या फिर आप पप्पू सिंह प्रजापत के दो पार्ट पढ़िए या हरिश्चंद्र वर्मा के दो पार्ट पढ़िए, इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरी राय जानने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा झुकाव मेरा हमेशा जेएल मेहता की ओर रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मध्यकाल में यदि आप एस के पांडे या सौरभ चौबे के साथ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और लेकिन कन्फ्यूज करने वाली बात नहीं, मैं आप लास्ट में दो तीन में आपको छांटने के लिए बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसे आपने विपिन चंद्रा की किताबों के नाम सुने होंगे, ये किताबें जैसे ये किताब डिटेल में पढ़ने के लिए काफ़ी है, ये किताब आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी डिटेल में है काफ़ी लेकिन
कोई बड़ा पार्ट ये कवर नहीं करती है, तो ये आप नेट जेआरएफ के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, या ये एनसीईआरटी में आती है इनकी, ये भी आपको नेट जेआरएफ के लिए कोई उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। या फिर ये जो जेपी मिश्र की किताब आती है 1857 के बाद से है शायद, ये इसका मैंने रिव्यू किया था, अच्छी किताब है, लेकिन मैं ये यूपीएससी के लिए रिकमेंड करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए रिकमेंड नहीं करता। नेट जेआरएफ के लिए देखिए अच्छी किताबों की बात करें तो या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ओवरऑल अच्छी किताब है, हमेशा सभी एग्जाम्स के लिए अच्छी रहती है। या फिर देखिए एस के कुप्ता की भी किताब ये ठीक आती है, और इसके साथ में मैं हमेशा से आपको एक और किताब बताता आया हूँ, परीक्षावाणी की। एस के गुप्ता भी ठीक है लेकिन इसकी तुलना में परीक्षावाणी, देखिए यदि आप एक किताब पढ़ते हैं तो मेरी राय में परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षावाणी मुझे थोड़ी सी बेटर और अच्छी तरीके से लिखी हुई लगती है। एक किताब पढ़ रहे हैं परीक्षावाणी या पीएल गौतम, दो किताबों में से एक पढ़िए। पीएल गौतम भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं, पीएल गौतम ये किताब भी आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप कहेंगे कि इतनी किताब, इतनी नहीं है, अब मैं ये इनमें से कैसे छांट के बता दूं, सारी अच्छी हैं, ये पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेक्ट्रम में भी नहीं आएगी, परीक्षा वाणी में भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी अच्छी हैं। मैं ज़्यादातर फैक्ट के लिए ठीक तरीके से याद करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, परीक्षा वाणी मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है, और नेट के लिए आप पीएल गौतम भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर आपको थोड़ा सा प्रो पढ़ने के लिए, ये इसका तो नया पार्ट भी आने वाला है शायद, और शायद आ भी गया होगा आजकल में, मैंने देखा नहीं, तो ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा, खासतौर से इनकी जो दूसरी किताब है, फर्स्ट तो अभी आएगी, उसमें दोबारा आएगी तब देखेंगे, ये प्रो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने हर कालखंड में आपको बताई है, जैसे प्राचीन में पप्पू सिंह प्रजापत बताई है, मध्यकाल में जीएल मेहता बताई है, उस प्रकार की तैयारी के लिए आप अरविंद भास्कर की किताबें पढ़ सकते हैं, और नहीं तो सिंगल किताबें आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम है, पीएल गौतम है, वो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम की बात करें तो स्पेक्ट्रम भी इंग्लिश मीडियम में आती है, सोनाली बंसल भी आती है, ये भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एस के पांडे भी पढ़ रहे हैं तो भी कई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता इनको। या और भी कई सारी किताबें हैं, जैसे क्लास सी टू पार्टीशन, छोड़िए एक बार, ब्रजकिशोर शर्मा की पहले काफ़ी चलती थी और आज तक भी रिकमेंडेबल है, किसी के पास है पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माथुरन माली वाली किताब भी ठीक है। एक ये किताब आती है देखिए रामलखन शुक्ल की, ये किताब में जितने ज़्यादा पेज हैं उस हिसाब से मुझे ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं लगती, काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है, तो इस किताब अच्छी है किताब, लेकिन थोड़ी बोरिंग है और काफ़ी ज़्यादा पेजेस में भी कई सारे फैक्ट्स छूट जाते हैं, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर में नुकसान हो जाता है, तो ये किताब मैं रिकमेंड इसके लिए नहीं कर सकता। बाकी ये जो किताबें हैं ना, जैसे शेखर बंदोपाध्याय, ये हैं अगर टाइम ज़्यादा हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का तो कोई देख सकता है साथ में, जैसे सुमित सरकार है, या शेखर बंदोपाध्याय है, या भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद वाली किताबें हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रहेंगी आपके लिए और काफ़ी सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो इनमें से कोई इक्का दुक्का बुक, जैसे आप सुमित सरकार या ये जो क्लासेस से पार्टीशन बहुत अच्छी है, हिंदी में इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये साथ में आप पढ़ सकते हैं, अकेले इनसे काम नहीं चलेगा, अकेले में आप परीक्षावाणी पढ़िए या स्पेक्ट्रम पढ़िए, पीएल गौतम पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, ब्रजकिशोर शर्मा वाली पढ़ सकते हैं, या ज़्यादा आपको प्रो ही तैयारी करनी है तो आप अरविंद भास्कर वाले दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट अभी शायद दोबारा आने वाला है, उसका वेट कर लेना आप। और जो एस के पांडे की सीरीज भी पढ़ते हैं, एस के पांडे की तीनों ही काल की किताबें ठीक आती हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं बात क्वेश्चन बैंक की। एक तो ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का क्वेश्चन बैंक आता है, अब इसमें अच्छे क्वेश्चन है लेकिन मैं ये कहूँगा नेट जेआरएफ के स्तर के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो नेट जेआरएफ के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जो ओल्ड पेपर्स हैं या जो अरिहंत वाले क्या है अपडेट नहीं कर पा रहे, पहले उनका ठीक आते थे, अभी वो लेटेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा उसमें है नहीं, 2010-11 तक ही रखे हैं, अभी कोई नया आ गया हो तो मालूम नहीं, मैंने जो भी उसके देखे हैं उसमें पुराने पेपर्स पड़े रहते हैं, तो यूथ वाला पीजीटी वगैरह के लिए अच्छा है और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए आप देख सकते हैं ठीक है, लेकिन नेट जेआरएफ के स्तर के क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर के क्वेश्चन थोड़े कम मिलते हैं इसमें। फिर इसके बाद में एक गाइड्स वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक ये जो आता है यूजीसी नेट के लिए सोल्वर, पिछले 15 साल के पेपर्स का, एजीपी का, ये अच्छा है, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कहीं पर दिक्कत आपको महसूस हो, लेकिन इसकी जो व्याख्या वगैरह है और है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है, इनमें से मैं अधिकांश बुक्स के रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली उस बुक के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग पता चल जाएगा, उसका कंटेंट आप देख सकते हैं, विषय सूची देख सकते हैं, तो ये
पिछले 15 साल के सोल पेपर आपको जरूर देखने चाहिए। तो इसके लिए एजीपी वाला में रिकमेंडेबल है काफ़ी। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, ये अच्छा रहेगा आपके पिछले 15 साल के पेपर देखने का। फिर देखिए गाइड्स जैसे आती हैं, एक तो कम समय के लिए आप देखना चाहें तो दृष्टि वाली पूरी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये आप देख सकते हैं। या फिर जो अरिहंत वाली गाइड आती है, अभी मेरे पास पुराना एडिशन पड़ा है, नया कुछ ज़्यादा अपडेट हुआ तो पता नहीं। दृष्टि वाली तो बहुत छोटी है, कम समय के लिए है, या अरिहंत वाली, आप इस प्रकार की गाइड पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार की गाइड्स थोड़ी सी कम रिकमेंड करता हूँ। हालांकि कम समय तो एक दृष्टि वाली आप देख सकते हैं, इसकी बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, ये मैं नीचे छोड़ देता हूँ, कि आप इस प्रकार की किताबें पढ़ लीजिए, आर्य पढ़ लीजिए या नीरज पांडे पढ़ लीजिए, आपके पास कम समय है, नेट लगभग लगभग निकल जाता है इनसे, और आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए और थोड़ा सा एक जो यूनिट 10 है उसके बारे में शायद मैं बताना भूल गया, यूनिट 10 जिसमें आपको इतिहास लेखन के बारे में, हिस्टोरियोग्राफी वगैरह के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी तीनों काल के लिए ये किताबें ठीक है। नीरज पांडे ने अच्छी किताब लिखी है, थोड़ा सा मैटर इससे आर्य से ज़्यादा भी है, तो इन आर्य पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नीरज पांडे भी ले सकते हैं, अच्छी किताबें हैं दोनों। कम टाइम के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, फैक्ट्स वगैरह काफ़ी बेहतर तरीके से दे रखे हैं, टाइम कम है तो तीनों काल के लिए यदि आप एक बार स्किप करना चाहें तो इनमें से जा सकते हैं, नेट आपका निकल जाएगा। जेआरएफ में भी मुश्किल, मुझे नहीं लगता ऐसी किताबों से निकलता है, नेट हो जाएगा आपको, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में यूनिट 10 जैसे बच गई, तो यूनिट 10 के लिए जैसे मेरी किताबें वहां पर काफी सारी रखी हुई हैं, लेकिन जैसे ई शिरजन वाली काफी मुश्किल किताब है, या फिर जैसे एक खुराना और बंसल वाली किताब है, लेकिन एक पेनोरमा की गाइड आती है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इस साल जो निकाली थी वो ठीक है गाइड, उसका मैंने रिव्यू किया, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। या एक जो इजी है लेकिन सारे क्वेश्चन उसमें से आते नहीं, कमी आ पाते हैं, जो MHI 03 आती है उसकी, इग्नू की, वो भी पढ़ सकते हैं। तो यूनिट 10 के लिए एग्जैक्ट तो आपको किसी गाइड में ही थोड़ा सा मैटर मिलता है, वो ही पॉइंट टू पॉइंट मिलता है, बाकी तो आपको किताबों में से छांटना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जैसे वो पैनोरमा वाली गाइड से या MHI 03 से थोड़ा सा उस यूनिट को आप तैयार कर सकते हैं, यूनिट 10। फिर बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़्यादातर स्टेट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे बहुत सारी इस प्रकार की किताबें आती हैं, यहाँ मैं इसको नीचे रख देता हूँ, कई UPSC के लिए कई किताबें आती हैं, जैसे ये कृष्णा रेड्डी की आती है या कुमार नलिन की आती है, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगी, तो इन किताबों की बजाय आपको दूसरी किताबें इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन बैंक मैंने ज़्यादा देखे नहीं है तो उसके बारे में मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तो एक तो देखिए ज़्यादा जो पॉपुलर किताबों की बात करें तो एक तो अरविंद भास्कर की वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब, ये अच्छी है और इसमें मैटर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एक अच्छी किताब रहती है। या जैन एंड माथुर वाली जो किताब है, जैन एंड माथुर वाली किताब में ये आधुनिक विश्व की यानी प्रबोधन से शायद आगे शुरू होती है ये, तो उससे पहले के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी भारी हो जाती है और सिर्फ मतलब आधुनिक यूरोप में भी काफ़ी आगे से शुरुआत होती है, तो उसके आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। UPSC के विद्यार्थी भी सालों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी किताब है। लेकिन अरविंद भास्कर की किताब भी, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ PGTOs के लिए अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। या ऐसी कुछ और किताबों की बात करें तो एक देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अभी UP में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो यूपी वाले में कई टॉपिक ऐसे थे जिनको दिक्कत आ रही थी कि किताबों में ढूंढने में एक जगह मैटर नहीं मिल पा रहा। फिर मैंने चेक किया था कि जो पुराना पेपर 2 और 3 होता था हिस्ट्री का नेट में, उसके सिलेबस से उसको उठाया गया था, तो कई विद्यार्थियों को मैंने रिकमेंड किया था कि पुरानी आपकी गाइड हो तो उससे आप देख सकते हैं। अभी हरियाणा में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब किसी एक किताब में सारा आपको मिल नहीं पाएगा, या तो आपके स्टेट में उसके अकॉर्डिंग कोई गाइड आती है तो आप उसका सहारा लें, क्योंकि आपको एक जगह टॉपिक मिल जाएंगे, नहीं तो एक जगह टॉपिक मिलने मुश्किल हो जाते हैं। फिर और भी ऐसी किताब है जैसे आधुनिक विश्व इतिहास की माथुर एंड माली की किताब, ये भी ठीक है, लेकिन इन सब में यदि आप बात करेंगे तो आपको अरविंद भास्कर वाली किताब आपके लिए ठीक रहती है। और फिर अलग से जो किताबें आती हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास काफ़ी रखी हुई हैं, इनको मैं यहाँ ले लेता हूँ, यही ले आता हूँ मैं सारी। अब इसके अंदर जैसे यूरोप के इतिहास की किताबें आती हैं, वैसे आधुनिक विश्व इतिहास में भी देखेंगे तो यूरोप का ही मैटर हमारे पास ज़्यादा होता है,
तो यूरोप के हैं जैसे नॉर्मल लोगों की, जैसे मेरे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाली किताब है, ये आप इस प्रकार से मतलब प्रथम विश्व युद्ध से बाद की घटनाओं के लिए आप इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल मैं रिकमेंडेबल नहीं है। या जो अरविंद सिन्हा की यूरोपियन ट्रांजिशन है, ये भी काफ़ी जटिल किताब है, विद्यार्थियों के लिहाज से मैं नहीं कहूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए। या फिर शॉर्ट में आप देखें तो ये जैसे दृष्टि वाली आए, ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, या बर्नवाली वाली शॉर्ट है, ये काफ़ी शॉर्ट हो जाती है और ज़्यादा मैं इन दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छी किताबें हैं ये, इनमें से बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अरविंद सिन्हा की किताब मेरी तो बहुत फेवरेट है। इन किताबों में से कई किताबें जो मैं बता रहा हूँ उनमें से बहुत सी किताबें किसी दूसरे एग्जाम के लिए जैसे यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की। वर्ल्ड हिस्ट्री तो नेट जेआरएफ में आती नहीं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। या सिर्फ आप मॉडर्न वर्ल्ड ही पढ़ना चाहें, आधुनिक यदि कई ज़्यादा टॉपिक हैं आपके सिलेबस में किसी स्टेट में, तो आप ये किताब भी शॉर्ट में पढ़ने के लिए देख सकते हैं। ये जो रंजन चक्रवर्ती वाली आती है, हिंदी में भी आती है, हिंदी में भी मेरे पास पीछे रखी हुई है ये, मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश में निकाला। अब इंग्लिश के स्टूडेंट की बात करें तो एक तो जैसे जैन एन माथुर की किताब है, आधुनिक वाला ठीक ठाक पोर्शन उसके अंदर आपको मिल जाता है। रंजन चक्रवर्ती वाली थोड़ी सी शॉर्ट में पढ़ने के लिए, यूपीएससी के लिए ज़्यादा रिकमेंडेबल है, अच्छी किताब है, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए उतनी ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है। एक जो दो किताबें मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो बी और सी वॉल्यूम है, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मैं रिकमेंड इनको नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर जो का जो मैटर है वो बहुत ही बेहतर है, मुझे काफ़ी पसंद आई ये किताबें। मैं इनका जल्द ही रिव्यू करूँगा और आपको दिखाऊंगा। इसके ए बी सी डी चार पार्ट आते हैं और मेरे पास अभी इसके दो ही पार्ट हैं, बी और सी। और ये जो ज़्यादातर जो सिलेबस होता है वो हमारे बी और सी में से ही मैच होता है, तो सिर्फ न तो आपका बी से काम चलता है न सिर्फ सी से काम चलता है, आपको ये बी और सी दोनों पार्ट लेने पड़ते हैं। इसकी ओरिजिनल किताबें तो कई हज़ार रुपए में आती है, महंगी आती है। भारत में इनकी शायद ये पायरेटेड कॉपी है, जो कि 500, 700, 800 रुपए के आसपास इनकी एक एक कॉपी मिल जाती है। फिर एक जो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह, सभी टॉपिक्स ठीक ठीक दिए गए हैं और इसमें बाकी किताबों से थोड़े से ज़्यादा टॉपिक हैं और इसमें मैटर ठीक दिया गया है, पर्याप्त दिया गया है। पीजीटी वगैरह के लिए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा मैटर कम रह जाता है कई टॉपिक्स के अंदर। कई टॉपिक्स अच्छे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें सारा कवर करने की कोशिश की गई है, ये भी ठीक किताब है। अब मैं आप कह रहे हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, पढ़ें क्या? अरविंद भास्कर पढ़ लीजिए या फिर तय कीजिए एक जो जैन एन माथुर की, ये तो आधुनिक विश्व इतिहास है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ग्रीन कवर वाली। एक इनकी विश्व इतिहास नाम से किताब आती है जिसका मैंने अलग से रिव्यू किया था। आधुनिक विश्व इतिहास अलग है, विश्व इतिहास अलग है, उसमें टॉपिक्स भी दूसरे हैं। वो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, तो कई स्टेट में उससे काफ़ी टॉपिक मैच होते हैं, तो वो बुक आप ले सकते हैं। लेकिन उसकी विषय सूची आप, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेलिस्ट में जाके विषय सूची देखें जो रिव्यू किए गए हैं, उसमें सबसे पहले मैं कंटेंट दिखाता हूँ कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बुक छांटेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सीधा ही मैं किसी राइटर की बुक बताऊंगा वो ले आएंगे, हो सकता है उसमें से ज़्यादातर टॉपिक नहीं है। ये देखिए, ये पुनर्जागरण हुआ, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये तो सभी में होते हैं। बाकी कुछ और टॉपिक्स होते हैं 30-40% एक्स्ट्रा अलग होते हैं एंशिएंट में या और में, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होते हैं कि किस किताब में आपको मिलेंगे। फिर यदि क्वेश्चन बैंक की बात करें तो जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बैंक बताए वो इंडियन हिस्ट्री के लिए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो एक तो अरविंद भास्कर की, पुराने बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए, काफ़ी अच्छा है। या फिर कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने की कोशिश करें तो आपको हुकुमचंद जैन और सौरभ व्यास की ये किताब है, ये भी अच्छी है। नए प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है वो पहले के एग्जाम से लिए गए हैं, तो इसमें से काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और कुछ नए क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हुकुमचंद जैन या सौरभ व्यास का भी देख सकते हैं। तो ये बात हो गई किताबों की। अब नेट जेआरएफ की आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जेआरएफ पर नज़र है तो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और डीप पढ़ने के लिए कौन सी किताबें हैं वो मैंने आपको बताई, लेकिन यदि आपको कुछ किताबें जो मैंने बताई कि वो ठीक हैं और वो आप पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको आपको ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप वही पढ़िए, बार बार पढ़िए। कुछ एक दो फैक्ट्स किताबों में इधर उधर हैं, आपको कई वीडियो वगैरह में देखते हैं मिल जाते हैं, तो वो लिख लिया कीजिए, मेंशन कर लिया कीजिए। एक ही किताब रखिए काल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो, और उनको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। देखिए, ज़्यादा मैटर पढ़ने की बजाय थोड़ा सा कम मैटर भी आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। जैसे मध्यकाल में आपको मैंने बताया जेल मेहता की 3 किताबें, लेकिन उसकी बजाय भी आप एस के पांडे की या जो सौरभ चौबे वाली किताब है उसको बार बार पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हर कुछ आपको मतलब आपके माइंड में छप जाए कि हाँ उस चैप्टर में ये दिया गया है, उस पेज में ऐसा कुछ लिखा गया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कोशिश करिए कि उतना ही मैटर सेलेक्ट कीजिए। इनमें भी जैसे मैंने हर काल में प्रो किताबें बताई हैं, लेकिन उतना ही सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए जितना आप याद रख पाए।
सिर्फ पढ़ने से नहीं, याद रखने से काम चलता है, तो आप याद रखने की कोशिश करें। तो ये मेरी एक कोशिश थी। इसके अलावा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल खुले मन से मैं आपको रिप्लाई करूँगा, हर बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको दो किताबों में कन्फ्यूजन हो जाए और आपको लगे कि सर थोड़ा सा डिसाइड आप ही कर दीजिए, तो ऐसे प्रकार के कमेंट आप करेंगे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए हिस्ट्री की किताबों का कंपैरिजन कह सकते हैं, या मेरा सुझाव कह सकते हैं। या आपको वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइए, और इस प्रकार की वीडियो भी और टीचिंग वीडियोस भी मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।